का स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं कंगिस्टन कंगिस्टन कैसे बनता है क्या क्या इसमें लगता है ये देखिए प्लास्टिक का वायर आता है ये देखिए प्लास्टिक का वायर आता है और इसमें हम सिंगल कलर भी बना सकते हैं डबल कलर भी बना सकते हैं और इसमें बड़े नोट्स भी लगते हैं छोटे नोट्स भी लगते हैं तो मैं दोनों इसमें नोट्स लगा के बताऊंगी कितना इसमें वायर लगता है और इसमें कुछ नहीं लगता बस ये रिंग लगती है हैंग करने के लिए और ये वायर लगता है बस इसमें दो चीज लगती है रिंग वायर तो वायर ये कोई भी मैक्रेम की दुकान पे जैसे कि कोई भी दुकान पे मिल जाएगा ये और रिंग भी उसी पे मिलेंगी ये रिंग छोटे से छोटी भी लगा सकते हैं हम जरूरी नहीं इसमें बड़ी ही लगाए लेकिन जो भी हो अपने पास वो लगा सकते हैं जैसे कि अपने हाथ का कड़ा होता है वो भी लगा सकते हैं जैसे ऐसे प्लास्टिक का कड़ा हो क्योंकि ये तो कवर हो जाएगा अंदर इसको हम कवर कर देंगे तो चलिए एक रिंग मैंने छोटी ली है एक बड़ी ली है तो इसी वायर में एक मतलब एक गिट्ठा है इसमें एक कंगी बनता है तो हम दो लिए हैं तो इसमें डबल कलर में हम दो कंगी बनाएंगे तो इसमें एक में बड़े नोट्स लगाएंगे और एक में छोटे नोट्स लगाएंगे तो चलिए इसमें स्टार्टिंग करते हैं हम करना क्या है इसमें सबसे पहले हमारी खिड़की विंडो मतलब कोई भी है उसमें जैसे उसमें प्लेट के इसको तैयार करना है और जैसे कि इसकी लेंथ होनी चाहिए बिगर बनेगी कम से कम भी कम से कम भी चालीस तो लेंथ होनी चाहिए इसकी फिर बना के और वो अपने उसके फिक्स हिसाब की हो जाती है तो चलिए जैसे कि मेरी विंडो में मैं नहीं प्लेट सकती इसको तो मेरी टेबल है टेबल में प्लेट के दोनों को तैयार करेंगे दोनों को अगर हम एक बना रहे तो एक को पकड़ के ऐसे और उसको एक नोट्स लगा के कहीं भी और प्लेट के तैयार करेंगे इसको अगर दो बना रहे तो दोनों को ऐसे बांध के हम और इसको पलेटना स्टार्ट करते हैं अभी देखिए मैं डाइनिंग टेबल में इसमें प्लेट के तैयार करूंगी तो डाइनिंग टेबल में दोनों नोट्स हम दोनों आयर का एक साथ एक नोट्स सा लगा देंगे इधर ये इस तरीके से तो इसमें पलेटने के बाद में हमें क्या करना है जैसे कि ये गिठा है हमारा दो है तो दोनों को एक साथ पलेटेंगे तो हाफ हाफ हो जाएंगे जब हम एंड कर देंगे और इसको प्लेट के तैयार कर लेंगे देखिए इधर से और इधर तक देखिए इधर से और इधर तक ऐसे दोनों बोलोगे इनको पलेट के हम तैयार करेंगे ये इस तरीके से दोनों को और ये हाफ हो जाएगी तब तक हम इसको पलेटेंगे और फिर नोट्स लगाएंगे अभी देखिए पूरी प्लेट के हम इसमें तैयार कर लिए पलेटने के बाद में हमें क्या करना है यहाँ से यहाँ तक देखिए अच्छे से प्लेट दिया इधर लास्ट में नोट्स लगा दिया और नोट्स लगाने के बाद में हम इसको दोनों साइड से अच्छे से पकड़ के और इसी इधर से भी कट कर सकते हैं और इसको ये सीजर से या सीजर से नहीं सीजर से मुश्किल से कटता है ये तो इसको हम ऐसे दोनों साइड से पकड़ के इसको ऐसे चक्कू से भी काट सकते हैं ये देखिए इस तरीके से चक्कू से प्लेड से लेकिन पकड़ना है इसको टाइट से अगर हम पकड़ेंगे नहीं तो ये उलझ जाएगा प्लास्टिक वायर बहुत जल्दी उलझ जाता है तो ये इस तरीके से इसको कट करके रिंग में डाल देंगे जो हम रिंग लिए हैं प्लास्टिक का वायर बहुत मुश्किल से कटता है ये तो देखिए इस तरीके से हम इसको कट इसको कट कट करके करके अभी देखिए जैसे कि हम ये इस तरीके से इसमें एक साइड से ही रिंग डाल देंगे ये देखिए एक साइड से रिंग डालने के बाद में बीस सेंटर में हम इसको अभी देखिए इसी में से बीस सेंटर में रिंग डाल दिए हम बिल्कुल बीस सेंटर में रिंग डालनी है अरे दोनों साइड का वायर बराबर होना चाहिए ये इस तरीके से तो चलिए इधर से इसको रिंग डालने के बाद में हमें इसी ही में से एक वायर लेना है इसको बराबर करके और एक वायर लेना है वायर हम कोई भी ले सकते हैं और ऐसे दूसरे आदमी की मदद से इसको पकड़वा के और इधर से अच्छे से इसको ये प्लेट देना है ये इस तरीके से ऐसे ये देखिए पूरा धागा टाइट से पलेटना है इसमें अच्छे से पलेटने के बाद में हमें क्या करना है इसको लाइटर से चिपका देंगे लेकिन सबसे पहले पलेटना है देखिए पूरा धागा इसमें प्लेट के और लाइटर की मदद मतलब से इसको इसी में चिपका देंगे ये देखिए अभी बिल्कुल भी नहीं उपड़ेगा और इसमें अभी हम कोई भी डिजाइन बना सकते हैं तो चलिए सबसे पहले बड़े नोट्स लगाते हैं ये देखिए जैसे कि मैंने बताया था दो गिट्ठे लिए हैं मैंने तो दोनों में ये दो रिंग में डाल के तैयार कर लिया तो इसमें मैं बारीक नोट्स लगाऊंगी इसमें मैं बड़े नोट्स लगाऊंगी ऐसे किसी में भी एक में बारीक एक में बड़े नोट्स एक में छोटे नोट्स ये दोनों की दो डिजाइन बनाऊंगी कलर एक है लेकिन डिजाइन इसमें मैं दो बनाऊंगी अभी हर दोनों में हैंग कर लिया देखिए एक छोटी रिंग है ये एक बड़ी रिंग है रिंग इसमें कैसे भी डाल सकते हैं अभी देखिए इसमें प्लेट के हम तैयार कर लिए तैयार करने के बाद में हमें क्या करना है इसमें सबसे पहले बड़े नोट्स लगाएंगे तो ये दो भाग में ऐसे कर लिए हम अलग, अलग अलग इसको तो अभी इसको चार भाग में करेंगे ये जो दो हिस्सा करे उनमें से ये हम ऐसे चार हिस्से करेंगे अभी देखिए इसमें चार हिस्से बना के बराबर ऐसे पता चल जाता है इसमें चार हिस्से बनाने के बाद में दो की मदद से बनते हैं ये वैसे चार की मदद से बनती है अच्छे से खींचना पड़ता है बड़ा नोट्स लगाते तो हम तो ऐसे चार हिस्सा बनाने के बाद में हमें क्या करना है सबसे पहली ये इस देखिए इसको ये रिंग जैसे नीचे है और इसको इस तरीके से हम हाथ रखेंगे इस तरीके से हाथ रख के और इस हाथ के ऊपर से एक वायर हम इधर डालेंगे ये और एक इधर डालेंगे ये देखिए दोनों साइड में ये दो वायर ऐसे हम दोनों साइड में डाल दिए दोनों साइड में डालने के बाद में ये वाले फिर हम इस तरीके से ये इसके नीचे से ऐसे लेंगे फिर ये इधर वाला इसके नीचे से ये इस साइड में लेंगे ये इस साइड में तो ये बड़े नोट्स लगाने का बिल्कुल सिंपल तरीका है ये ऐसे तो इसको अब हल्के हल्के खींचेंगे हम इसको ज़्यादा नहीं ऐसे हल्के हल्के इसलिए खींचेंगे इसकी फिनिशिंग आनी चाहिए अच्छे से ये देखिए इसकी फिनिशिंग अच्छे से आनी चाहिए जैसे वायर रह जाता है इसको एक एक पकड़ के और अच्छे से खींचना है नहीं तो इस साइड में से ऐसे धागा दिखेगा इसमें तो ये धागा नहीं दिखना चाहिए तो चलिए ऐसे इसको खींचना पड़ता है बहुत इसको खींचेंगे हम दो दो चार चार पकड़ के भी खींचेंगे ऐसे इसकी फिनिशिंग अच्छी आ जाए देखिए खींच चुका तो इसमें कोई कोई वायर ऐसा है ऐसे दिख रहा है मतलब तो इसको भी हम एक एक पकड़ के खींचेंगे इसको ऐसे पता चलाएंगे कहाँ से है तो उसी को पकड़ के खींचेंगे ऐसे ये देखिए सारे को इस तरीके से नोट्स में बड़े में ये ही ध्यान रखना है अगर हम छोटे नोट्स लगा रहे तो उसकी अत्व... अभी देखिए इसमें एक नोट्स लग चुका है एक नोट्स में इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है कैसे इसमें डिज़ाइन आ रही है तो सेकंड नोट्स लगाएंगे हम इसी ही तरीके से ये देखिए एक को इधर डालना है और एक को इधर डालना है फिर ये बिल्कुल सिंपल देखिए अच्छे से समझना है ये इसको इधर लिया इस वाली को जो छोड़ रखे थे हम और इसको इसके नीचे से निकालना है इसको हम इधर निकाल दिए ये निकाल दिए तो ये इस तरीके से नोट्स लग जाता है नोट्स लगने के बाद में हमें इसको फिनिशिंग थोड़ी दे के ऐसे और फिर इसको खींचना है अच्छे से खींचना अच्छे से है इसको क्योंकि एक एक करके भी ऐसे चार आदमी उसे अच्छे से खींच जाता है एक एक रस्सी पकड़ के बहुत अच्छे से इसकी खिंचाई होनी चाहिए अब ये दो नोट्स लग चुके हैं दो नोट्स लगाने के बाद में हम फिर से भी इसी तरीके से ये देखिए अच्छे से समझ आ जाएगा ये बड़े नोट्स एक इसको इधर निकालेंगे और इसको इसके नीचे से लेना है ये इधर निकालेंगे ये देखिए तीन नोट्स लग गए तो इसमें थोड़ा सा समझ आ रहा है ये देखिए ऐसे नोट्स लग के आ रहे हैं और फिर से हम इसमें नोट्स लगाएंगे इसी ही तरीके से अभी देखिए इसमें चार नोट्स लगा दिए हम चार नोट्स लगा दिए इसमें सिर्फ दो नोट्स और लगाएंगे दो नोट्स से हमारी इसकी लेंथ सही हो जाती है और ये दो नोट्स भी इसी ही तरीके से लगाएंगे देखिए सबसे पहले ये इस तरीके से हाथ रखना है और इसको इधर डालना इसको इधर डालना डालने के बाद में हमें क्या करना है इसको थोड़ा सा सीधा करना है ऐसे ये इसको ये इस तरीके से खींच के और फिर और इसको हम इधर निकालेंगे ऐसे और इसको इसको थोड़ा सा लूज करके और इसके नीचे से निकालेंगे और ये नोट्स आ जाता है ये अच्छे से और फिर इसको खींचना है देखिए पांच नोट्स हो चुके हैं तो चाहे तो हम ज़्यादा इसकी लंबाई दे सकते लेकिन इतनी भी सही रहती है और इसका सिंगल कलर में भी बना सकते हैं हम डबल कलर में भी बना सकते हैं तो ये डबल कलर में बनाया है मैंने चलिए इसको खींच के एंड कर देते हैं इधर ये देखिए ये बन के आ गई है डिजाइन बनने के बाद में हमें क्या करना है इसको पूरे वायर को एक जगह करना है ये इस तरीके से एक जगह करने के बाद में इसी में से एक वायर लेना है ऊपर हम पिंक वायर लिए थे तो नीचे भी पिंक ही ले लेते हैं पिंक लेने के बाद में इसको अच्छे से इधर से बहन देंगे फिर इसको भी हम लाइटर की मदद से इधर चिपका देंगे और ये हमारा कंग स्टैंड बन के तैयार हो गया ये चिपका दिए और ये कंग स्टैंड हमारा बन के तैयार हो गया और इसको जितना खींचेंगे इतनी अच्छी फिनिशिंग आएगी ये देखिए बहुत सुंदर लगता है ये और डा एक डार्क कलर होना चाहिए एक लाइट कलर होना चाहिए चलिए इसमें खोलने का तरीका और बता देती हूँ थोड़ा सा मैं अभी देखिए इस तरीके से इसको हैंग करेंगे हम कहीं भी कील में हैंग करेंगे हैंग करने के बाद में इसमें एक एक वायर पकड़ना है ये ऐसे एक एक वायर पकड़ने के बाद में इसमें ऐसे उल्टा बल लगाना है इसमें उल्टा बल लगाने के बाद में इसमें ऐसे ये अंगुली डाल के और इसको नीचे तक ऐसे इस तरीके से लेके आना है खोलने का तरीका इसका ये है सिंपल ये देखिए इसमें एक में तीन वायर निकल गए देखिए तीन वायर निकल गए एक दो तीन तो तीन निकलने के बाद में हमें क्या करना है तीन में तीन फिर से निकलेंगे तो ऐसे बहुत भारी है भी हो जाती है ये चोटी बन के देखिए देखिए तीन में तीन ये निकल गए ये निकल के कंप्लीट है कोई इतना बारी तार निकलते हैं देखिए इसमें दिख रहे हैं अच्छे से तो इसको हम एक साइड कर देंगे इधर ऐसे और फिर ये अगली खोलेंगे ये तीन में एक धागे में मतलब नौ वायर निकलते हैं बारीक बारीक बिल्कुल तो बहुत हैवी हो जाती है बन के तो इसी तरीके से पूरी खोलनी है इसको और इसको हैंग करेंगे अरे बड़े नोट्स में चोटी कंगी स्टैंड हमारा बनके तैयार होगा अगर फ्रेंड आप मेरे चैनल को अभी तो सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और फिर भी आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करें मैं फिर से समझाऊंगी अच्छे से और अभी बनाएंगे हम बारीक नोट्स में दो कलर में चोटी Thank you!